हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम सीखेंगे कि नए साल का कैलेंडर वाला पोस्टर कैसे बनाते हैं अपने मोबाइल से। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो अब हम वीडियो की ओर आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल में जो है पिक्सल ऐप को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे, उसके बाद ये डिलीट कर दिए। उसके बाद अब लाएंगे ब्लैंक पोस्टर जो कि हम पहले से बना के रखे हैं। तो ब्लैंक पोस्टर लाने के लिए दो थोड़ा ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके स्क्रॉल करते हुए जाएंगे या फॉर्म गैलरी में। फॉर्म गैलरी में जाने के बाद यहाँ से ब्लैंक पोस्टर को ले लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा ब्लैंक पोस्टर आ गया है। उसके बाद यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जो है सिर्फ जो कैलेंडर डाउनलोड करके रखे हैं उसको सेट करना है और फोटो लाना है। तो सबसे पहले हम कैलेंडर लाएंगे, तो लाने के लिए ये प्लस का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद या फॉर्म गैलरी में जाएंगे। फॉर्म गैलरी में जाने के बाद यहाँ से जो है कैलेंडर का पोस्ट फोटो ले लेते हैं, उसका राइट क्लिक करेंगे, इसको अच्छा से सेट कर देते हैं। उसको अच्छा से सेट कर दिए। उसके अब लाएंगे माँ लक्ष्मी का फोटो, तो लाने के लिए प्लस का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसका फॉर्म गैलरी में जाएंगे। फॉर्म गैलरी में जाने के बाद यहाँ से फोटो ले लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इसको अच्छा से सेट कर देंगे। सेट कर दिए। उसके बाद दोस्तों अब लाएंगे फ़ोटो, तो फोटो लाने के लिए प्लस का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से फॉर्म गैलरी में जाएंगे, यहाँ से रोहित शर्मा का फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इसको अच्छा से सेट कर देंगे। सेट कर दिए। उसके बाद नीचे से धुंधला करना है, तो धुंधला करने के लिए बीच में आइकन का क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से शेप ले लेते हैं, इसको छोटा कर देंगे। इसका राइट क्लिक करेंगे, इसमें जैसे जैसे ब्लिंक पोस्टर का कलर है उसी तरह शेप में कलर डालेंगे। तो यहाँ कलर में जाएंगे, इनेबल कर देंगे। उसका पोस्टर वाला कलर ले लेंगे, तो देखिए दोस्तों सेम कलर मिल गया है। इसको अच्छा से आगे रखेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए जाएंगे इरेजर पर, तो इरेजर में आ गए हैं। उसके बाद इरेजर का साइज बढ़ा देंगे, ये हो गया। उसका राइट क्लिक करेंगे, उसका इसको अच्छा से सेट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद अब लिखना है नाम, तो नाम लिखने के लिए ए वाला ऑप्शन जाएंगे, यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये एडिट एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, पेंसिल का आइकन, उसमें क्लिक करेंगे। ये न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा लिखने के बाद यहाँ साइड में ओके का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे, उसको अच्छा से सेट कर देंगे। अब इसमें कलर डालना है, तो कलर डालने के लिए स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, पहले साइज दे देंगे जैसा साइज हो, उसका राइट क्लिक करेंगे। उसका कलर जैसा हो, वाइट हो जैसा हो, तो हम रखेंगे पीला फिलहाल, उसका राइट क्लिक करेंगे, ये हो गया। उसका यहाँ स्टाइल है, तो स्टाइल दे देंगे, ये हो गया। उसका देखिए दोस्तों, मेरा पोस्टर जो है वो फाइनल हो गया है। और आप भी जो है इस तरह का पोस्टर अपने मोबाइल से जो है बना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।